हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम परीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ व्यूवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। तो फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा है। जिन्होंने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके वो देख लें, उसके बाद आगे देखें। आज हम स्टार्ट करेंगे द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल का जो डिक्लाइन है वो किस तरह से हुआ। तो जो डेवलपमेंट हो रही थी कॉटन इंडस्ट्रीज़ की ब्रिटेन के अंदर, उसकी वजह से जो इंडिया का टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत सारे तरीकों से वो बहुत इफ़ेक्ट कर रहा था। पहला क्या था कि जो इंडियन टेक्सटाइल था पहले उसको किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब क्या होने लगा जब ब्रिटेन के अंदर मशीन्स वगैरह जो थी वो डेवलप होना शुरू हुई, तो इंडियन टेक्सटाइल को कम्पीट करना पड़ा ब्रिटिश टेक्सटाइल्स के साथ इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स। यूरोप और अमेरिका की मार्केट्स के अंदर ब्रिटिश टेक्सटाइल जो था वो कम्पीट कर रहा था इंडियन टेक्सटाइल के साथ। सेकंड रीज़न क्या था कि जो एक्सपोर्ट हो रहा था टेक्सटाइल्स का इंग्लैंड को, ठीक है, यानी कि इंडिया से जो कपड़ा कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड के अंदर जा रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो था वो क्या कर रहा था, क्रिएट कर रहा था। बिकॉज जब इंडिया से वो कपड़ा इंग्लैंड में जाता था तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स जो था वो इम्पोज कर दिया जाता था, सो दैट वो कपड़ा जो था फिर वो मतलब इंडियन जो है उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल था या कॉटन इंडस्ट्री जो थी इंडिया की उसको इफेक्ट होना पड़ा। आगे क्या बोला है, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंग्लिश जो थे, ठीक है, इंग्लिश से मतलब यहाँ पे है इंग्लैंड के लोगों लोग जो थे वो क्या करने लगे, कॉटन टेक्सटाइल जो था वो बनाने लगे, और इसकी वजह से वो क्या करते थे, इंडियन गुड्स को क्या करते थे, लेते थे। इंडियन गुड्स को लेना इन द सेंस इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेते थे और उनको अफ्रीका के ट्रेडिशनल मार्केट्स में जाके बेच देते थे, अमेरिका और यूरोप में जाके क्या करते थे उसको सोल्ड करते थे। बहुत सारे व्यूवर्स जो थे इंडिया के अंदर उनको है उनको क्या होने लगा, जो है वो काम से निकाल दिया गया। बंगाल के जो व्यूवर्स थे उनकी बहुत बुरी हालत हुई। इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज जो थी उन्होंने इंडिया से सामान रॉ मटेरियल लेना बंद कर दिया और उन्होंने अपने एजेंट्स को वहां से क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा ऐसे बताया है वुमन स्टाफ और जो लोग मतलब जिनको काम से निकाल दिया गया था उन्होंने पिटीशन जो थी वो गवर्नमेंट के कंपनी के गवर्नमेंट के जो मतलब एक लेटर सा लिखा, ठीक है, 1200 वर्कर्स जो थे व्यूवर जो थे उन्होंने एक लेटर लिखा, वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई हमें भी जीने के लिए मतलब हमारे भी रोज़गार का सोचो, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमें उनको फीड करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों एक मतलब पिटीशन जो था वो उन्होंने डाला। उसके बाद क्या होने लगा ये आगे एक और जो है वो बताया हुआ है, एक पब्लिश किया गया है एक पेपर में एक आर्टिकल को, इसमें एक विडो वूमेन थी स्पिनर थी, उसने लेटर लिखा था बंगाली न्यूज़पेपर में, एक समाचार दिया था, उसमें उसने बोला था कि मेरी 3 बेटियां हैं, मेरा पति डेथ हो जाती है उनकी तो हमारे घर का खर्च वगैरह जो है वो चलाना मुश्किल हो गया है, तो मेरा मतलब मैं काम करके स्पिन करके जो है वो खर्चा कर रही हूँ। तो यही सब इसमें बताया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आगे क्या बोला है कि जो एजेंट्स थे उनको भी क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, उनको जो है एडवांसेस दे दिए गए सो दैट कि वो सप्लाई जो है वो व्यूवर से जल्दी करवा सके। डिस्ट्रेस्ड व्यूवर्स रोट पिटीशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। और जो जिन व्यूवर्स को काम से निकाल दिया गया था उन्होंने गवर्नमेंट को पिटीशंस जो था आर्टिकल्स वगैरह लिखना शुरू कर दिया ताकि गवर्नमेंट जो है वो उनकी हेल्प कर सके। अब उनकी कंडीशन जो थी बट वर्स वॉज स्टिल टू कम, उनकी कंडीशन जो थी बद से बदतर हो रही थी। 1830s के टाइम पे ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ था इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, उसका बाढ़ आना शुरू हो गया, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कॉटन क्लॉथ इंडिया के अंदर बेचने लगे। इनफैक्ट 1880s के आते आते कॉटन क्लॉथ 2/3 कॉटन क्लॉथ जो थे वो इंडियंस जो थे वो पहनने लगे जो कि ब्रिटेन के अंदर बन रहे थे। इसकी वजह से जो स्पिनर्स थे एज वेल एज जो व्यूवर्स थे, ठीक है, वो क्या होने लगे, इफेक्ट होने लगे। थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन जो थी उन्होंने स्पिनिंग जो था जो कि स्पिनिंग के ऊपर उनका घर खर्च चल रहा था उनको जो था जॉब वो जॉबलेस होगी क्योंकि अब सारा का सारा काम जो था वो ब्रिटेन के अंदर होने लगा और इंडिया के अंदर कपड़ा भी जो था वो ब्रिटेन से आने लगा। सो जो इंडियन वुमेन्स थी जो कि गाँव की वुमेन्स थी जो कि स्पिनिंग करती थी, कटाई वगैरह करती थी, बुनाई वगैरह करती थी, वो जॉबलेस हो गई क्योंकि अब कपड़ा बाहर से आना लगा था। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया, लेकिन जो हैंडलूम वीविंग थी, ठीक है, जो हाथों के द्वारा कारीगरी वगैरह की जाती थी वो इंडिया के अंदर अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे क्लॉथ्स होते हैं, कुछ इस तरह के क्लॉथ्स थे जो कि मशीन्स के द्वारा नहीं बनाए जा सकते थे। हाउ कुड मशीन्स मतलब मशीन्स जो हैं वो साड़ीज़ कैसे प्रोड्यूस करेंगी जिसके ऊपर जिसका बॉर्डर जो था वो मतलब या बॉर्डर के ऊपर जो क्लॉथ मतलब जो साइड पे बॉर्डर होता है जो क्लॉथ होता है उसके ऊपर ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी जो है वो हाथों के द्वारा की जाती है, तो मशीन्स उस तरह से नहीं कर पाती थी, इसलिए ये जो हैंडलूम वीविंग का जो प्रोसेस था ये इंडिया के अंदर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ।
और ये जो डिमांड थी इन हैंडलूम वीविंग के कपड़े की, वो रिच मतलब अमीर लोग एज वेल एज मिडिल क्लास के लोग जो थे वो करते थे। नॉट डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी कोर्स क्लॉथ यूज बाय द पुअर पीपल इन इंडिया। और जो टेक्सटाइल ब्रिटेन के अंदर जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स थे जो कपड़ा बना रहे थे वो इतना मतलब सस्ता कपड़ा बना रहे थे कि इंडिया के अंदर जो पुअर पीपल थे वो भी उनको क्या कर सकते थे, यूज़ कर सकते थे। आपने सुना ही होगा शोलापुर जो कि वेस्टर्न इंडिया में है और मदुरा जो कि साउथ इंडिया में है, यहाँ की आपने कहानी सुनी होगी। ये जो दोनों टाउन्स थे ना ये अब क्या बन के एक नए इंपॉर्टेंट सेंटर बन के आ रहे थे वीविंग के लेट 19th सेंचुरी के टाइम पे, यानी कि 1890 या 1895 का जो टाइम पीरियड चल रहा था, इस टाइम पीरियड में ये जो शोलापुर जो है वेस्टर्न इंडिया में और साउथ इंडिया में जो मदुरा है ये एक नए इंपॉर्टेंट सेंटर बन के आ रहे थे किसके, वीविंग के। लेटर बाद में नेशनल मूवमेंट जब चल रही थी जिसमें महात्मा गांधी जो थे वो ये अर्ग कर रहे थे, लोगों को ये बोल रहे थे कि इम्पोर्टेड टेक्सटाइल्स यानी कि जो फॉरेन कपड़े हैं उनको आपको बायकॉट करना पड़ेगा और आपको हैंडस्पन और हैंड वोवन क्लॉथ जो थे वो पहनने पड़ेंगे। खादी जो था वो एक सिंबल बन चुका था राष्ट्रवाद का, चरखा जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को, और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक फ्लैग अडॉप्ट किया गया था 1931 में जिसके सेंटर में जो था वो चरखा बनाया गया था। आपके आज की इंडियन फ्लैग में जो सेंटर में जो है वो अशोका चक्र है, लेकिन पहले जब 1931 में जो अडॉप्ट किया गया था फ्लैग INC के द्वारा, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, उसके द्वारा जो किया गया था फ्लैग अडॉप्ट किया गया था उसके सेंटर में देखिए चरखा था। तो देखिए आप चरखे की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उस समय पर। देन उसके बाद फिर यहाँ बोला गया है कि उन व्यूवर्स के साथ, उन स्पिनर्स के साथ क्या हुआ जिन्होंने अपना रोज़गार जो था वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो बहुत सारे व्यूवर जो थे वो अब एग्रीकल्चर लेबरर्स बन गए, कुछ जो थे वो सिटीज़ में चले गए काम की तलाश में, कुछ जो थे वो कंट्री में रहकर कंट्री के बाहर चले गए और वहाँ पर जाके प्लांटेशन करना शुरू कर दिया, जैसे जूट उगाया उन्होंने, फिर उसके बाद शुगर हो गया, ठीक है, मेज़ हो गया, तो ये सारी जो थी उसकी प्रोडक्शन करना शुरू कर दी, जैसे कि अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, वहाँ पे जाके। कुछ जो थे वो हैंडलूम व्यूवर्स थे और वो क्या करते थे न्यू कॉटन मिल्स के अंदर, जो नई नई फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर सेटअप हुई थी वहाँ पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ बॉम्बे जिसको आप मुंबई बोलते हैं, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में कुछ न्यू कॉटन मिल्स जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी और हैंडलूम व्यूवर्स जो थे वहाँ पे क्या करने लगे, काम करने लगे। अब आगे क्या बताया है, कॉटन मिल्स कम अप, ठीक है, अब कॉटन की जो मिल्स थी, मिल्स का मतलब समझ लीजिए फैक्ट्री वगैरह, वो देखने को मिली, ठीक है, वो सामने आई, उनका इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू होगी। जो फर्स्ट कॉटन मिल थी इंडिया के अंदर वो सेटअप की गई थी एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854, ठीक है, मुंबई के अंदर 1854 में पहली कॉटन मिल जो थी इंडिया के अंदर सेटअप की गई। अर्ली 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही, यानी कि 1810 का टाइम पीरियड बोल सकते हैं, 1805 का जो टाइम पीरियड था, इस समय पे बॉम्बे जो था वो एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बन चुका था फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। दैट मीन्स मुंबई जो था, मुंबई यानी कि बॉम्बे जो था उसका जो पोर्ट था, ठीक है, समुद्र के पास का जो एरिया था, बंदरगाह जो था वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था जो क्या करता था, कॉटन, रॉ कॉटन को इंडिया से इंग्लैंड और चाइना में एक्सपोर्ट मतलब ट्रेड किया जाता था, भेजा जाता था। इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया विद कॉटन वॉज ग्रोन, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पर ब्लैक सॉइल जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में देखने को मिलती है और ब्लैक सॉइल के ऊपर ही आपका कॉटन जो है वो ग्रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉटन जो था इन वेस्टर्न इंडिया के पार्ट्स में कॉटन जो था वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाने लगा। जब कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जब मतलब एस्टैब्लिश की गई तो उन वहाँ पे रॉ मटेरियल जो था वो बहुत इजी से क्या किया जाता था, सप्लाई किया जाता था। कहने का ये मतलब है मिल्स जो थी, कॉटन मिल्स जो थी उसके पास में ही क्या किया जाता था, ये रॉ कॉटन वगैरह जो था वो उगाया जाता था क्योंकि ईजिली जो था वो वहाँ पर पहुँच जाता था, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, 1900 में 84 मिल्स जो थी वो बॉम्बे के अंदर मतलब ऑपरेट की गई, चलाई गई, बहुत सारी इनमें से जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी पारसी और गुजराती बिजनेसमैन के द्वारा जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था चाइना के साथ ट्रेड करके। देन उसके बाद क्या हुआ, मिल्स जो थी बहुत सारी दूसरी शहरों में भी जो थी वो एस्टैब्लिश की गई। जो फर्स्ट मिल थी अहमदाबाद में वो स्टार्ट की गई थी 1861 में, ठीक है, ईयर लेटर अ मिल वाज एस्टैब्लिश, एक साल बाद यानी कि 1862 में कानपुर में भी एक मिल जो थी वो एस्टैब्लिश कर दी गई। यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी जो था, कानपुर जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में आता है, कॉटन मिल्स की जो ग्रोथ थी वो डिमांड कर रही थी लेबर की, ठीक है, मजदूरों की। बहुत सारे पुअर पीजेंट जो थे, आर्टिसंस जो थे और एग्रीकल्चर लेबरर्स जो थे वो सिटीज़ की तरफ जाने लगे ताकि वो उन मिल्स में जाके क्या कर सके, काम कर सके।
इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि इन इंडस्ट्रीज का, इन मिल्स का, इन मिल्स के सेटअप होने से पहले क्या हुआ, जो टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री थी इंडिया के अंदर, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी वो फेस करनी पड़ी. इट फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट. वो इसलिए उनको जो था वो मतलब चीप सस्ते टेक्सटाइल्स के जो इम्पोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से, ब्रिटेन से इंडिया के अंदर आ रहा था, वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे. बहुत सारी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट जो थी वो सपोर्ट कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, किस तरह से उनके ऊपर हैवी ड्यूटीज़ जो थी, उनके ऊपर नहीं, जो इम्पोर्ट होता था बाहर से जो सामान इंडिया के अंदर आता था उनके ऊपर हैवी ड्यूटीज़ जो थी वो इम्पोज कर देती थी. हैवी ड्यूटीज़ यानी कि टैक्स वगैरह इम्पोज कर देती थी, लगा देती थी, जिसकी वजह से कंट्री के, बहुत सारी कंट्रीज़ को बेनिफिट होता था. इसने क्या किया, कंपटीशन को ख़त्म कर दिया, और क्या किया, इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को, जो अभी अभी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी, उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, उसने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया, ना ही उसने कोई भी प्रोटेक्शन जो थी वो लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड की. सो जो मेजर स्पर्ट कॉटन फैक्ट्री की प्रोडक्शन, जो कि इंडिया के अंदर कॉटन फैक्ट्री जो, जहाँ पे कॉटन जो था वो कपड़ा जो था वो बनाया जा रहा था, उसकी डेवलपमेंट के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम जो इंडिया के अंदर देखने को मिली वो ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दम स्पर्ड नॉट प्रॉब्लम बोल सकते हो आप, यानी कि इंडिया के अंदर कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर जो आपकी ये कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन जो इंडिया के अंदर हो रही थी, इसमें मेजर स्पर्ड जो था वो कब देखने को मिला, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो इंडिया को कम्पीट नहीं करने दे, मतलब उसको उसका सामान नहीं खरीदने दे रहा था. तो क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन जो था उसने कपड़ा बनाना बंद कर दिया, और वो सिर्फ और सिर्फ वॉर का सामान बनाता था, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो था उसका जो फैक्ट्री था वो थोड़ा सा डाउन में चला गया, और इंडिया ने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया, और उसने जो है वो वॉर का कपड़ा जो था वो बनाना शुरू कर दिया, जैसे आर्मी वालों की यूनिफॉर्म्स वगैरह बनाना शुरू कर दी, और भी कॉटन के कपड़े बनाना शुरू कर दिए, और इस जैसे इंडिया जो था वो क्या होने लगा, इंडिया की जो फैक्ट्रीज थी वो बढ़ने लगी, और वो क्या करने लगी, कॉटन क्लॉथ जो थे मिलिट्री सप्लाईज करने लगी, मतलब मिलिट्री के लिए कपड़ा जो था वो बना के देने लगी, और ब्रिटेन जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चे आप मुझे पूछ सकते हैं.